दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और देवउठनी एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जो योग निद्रा में रहते हैं वो नींद से जाग जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर भी नोट कर सकते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और बहुत से लोग रहते हैं कि कुछ चीज़ें खाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम लागू होते हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्र तो सभी जगह एक ही बने। जो संस्कृत जो शास्त्र हैं वो एक ही जगह बने और उनकी जो बात है वो सबको माननी होती है, उससे हटके कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एकादशी के व्रत में सबसे पहले तो किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप निराहार व्रत रखकर व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो एक बार भोजन भी कर सकते हैं, इस दिन दूध या जल का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एकादशी के व्रत में शकरकंदी, कुट्टू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, साथ ही साथ दूध, बादाम, अदरक और चीनी आदि चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करना चाहिए। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से बार बार कुल्ले कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान को मीठा पान चढ़ाया जाता है तो इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन फलों का सेवन आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो सूखे मेवे हैं उनको, जैसे बादाम, पिस्ता, इन सब चीज़ों को आप खा सकते हैं। एकादशी की तिथि पर जो बैंगन और सैंपली नहीं खाना चाहिए। उस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस, मदिरा, अन्य कोई नशीली पदार्थ का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर ही हमें ग्रहण करना चाहिए और तुलसी दल को छोड़कर, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। साथ ही साथ ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।